डिजिट आता है, कोई भी नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं तो डिजिट से ही नंबर बनता है। तो कितने डिजिट है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 6 और 10 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10, जिसका सबसे छोटा नंबर मेंबर कौन है, 0 होता है। अब नंबर क्या होता है, नंबर जो होता है ये डिजिट से ही मिलकर नंबर बनता है, जैसे 876, तो यह नंबर हुआ। इसमें कौन कौन डिजिट है, कोई पूछ देगा ये क्या है, नंबर है या डिजिट है, तो ये कहेंगे हम नंबर है। क्यों, नंबर जो है डिजिट से मिलकर ही बनता है, कितना भी नंबर है यही 9 नंबर से, 9 डिजिट से मिलकर नंबर का निर्माण होता है। अब हम लोग पहले भी वीडियो भेजे थे नेचुरल नंबर क्या होता, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर इज नोन एज, जितने भी गिनती का नंबर होता है वह क्या कहा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर होता है। हॉल नंबर क्या होता है, क्योंकि हॉल नंबर इसमें आया है, हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं अगले वीडियो में, हॉल नंबर, हॉल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये। अब कोई पूछ देता है 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर या डिजिट 9 होता है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ, 9, 9, सब में 9 बढ़ाते जाते हैं, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ, 9, 9, 9, इसी तरह से नंबर ऑफ 9 बढ़ते जाएगा, 4 कहेगा तो 4 to 9 दे देंगे। स्मॉलेस्ट में आ जाइए, सबसे छोटा 0 माना जाता है, स्मॉलेस्ट डिजिट से बना नंबर 0 हुआ। अब है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100, ठीक है। इस तरह से हम नंबर जो हम प्राइमरी स्टेज में होते हैं, नंबर, डिजिट, नेचुरल नंबर, हॉल नंबर, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सारे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जाता है, जहां देख लेता है लास्ट में भी नंबर देख लेता है तो उसी आधार पर कर देता है कि ये बड़ा है। यदि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यदि नंबर में आप 100 आप लिखते हैं, कहीं देख लिया 99 तो कह देता है बच्चे की 99 बड़ा है, 99 देखकर वह अनुमान लगा लेता है कि यह बड़ा है। लेकिन हमें इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें, इस पर हमको 2-3 नियम है, जिसके आधार पर कंपेयर करके हम कौन डिजिट कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है, जिसके आधार पर हम उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला हम देखते हैं, कोई भी नंबर देखते हैं तो पहले नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं। यदि हम 2, 3, 4 लेते हैं और यहाँ 89 लेते हैं तो इसमें 3 डिजिट है, कितने डिजिट है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, इसमें क्या डिजिट है, 2 डिजिट है। तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट डिजिट का संख्या ज्यादा होता है वह ग्रेटर होता है, ये। अब दूसरा पहचानने के, आंख मूंद कर हम ये नहीं देख लेंगे कि 8 बड़ा है 9 बड़ा है, ये सब नहीं, 89 देख लेता है, 34 यहाँ देख लेता है छोटा, तो उस आधार पर वह कह देता है 89 बड़ा है। हम देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो हमारा ये 234 या बड़ा है। दूसरा जो है, हम नंबर ऑफ डिजिट सेम रहता है, नंबर ऑफ डिजिट जैसे देखिए 3, 4, 8 है, और यहां भी देखिए 3, 2, 3, 9 है, तो नंबर ऑफ डिजिट हमारा यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, इसका कंक्लूजन कैसे, 100 प्लेस के डिजिट पर इसमें क्या है, 3 है, इसमें 100 प्लेस के डिजिट 2 है, तो इसको हम बेशक नंबर ऑफ डिजिट सेम है, अब 100 प्लेस यहाँ 100 प्लेस, तो नंबर 100 प्लेस का डिजिट इसका बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, ये ऑफकोर्स ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अब दूसरा है, यदि आप 100 प्लेस का डिजिट सेम है, मान लीजिए 3, 4, 8, अब है 3, 5, 9 है, तो अब ये देख लीजिए, ये आपको देख लेना है, सपोज दैट यहां पर 100 प्लेस वाले दिन नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट, तो अब यहां पर भी 100 प्लेस का डिजिट सेम है 100, तो नेक्स्ट वाला अगला वाला नंबर पर हम 10th प्लेस वाला का डिजिट, इसमें 10th प्लेस का डिजिट क्या है, 4 है, इसमें 10th प्लेस का डिजिट क्या है, 5 है,
तो 4 जो है 5 से लेस है तो 350 इज ग्रेटर देन 348। इस टाइप से हम कंपेयर करके नंबर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसी के आधार पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन सब है, एक्सरसाइज नहीं है, इसमें लेटेस्ट 2 है उसको आप बना सकते हैं। लेटेस्ट 1, 2, 3 क्वेश्चन है, फिर कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। लेटेस्ट 2 में देखिए पेज नंबर, यही सब बुक खरीदी है, उसके बाद सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं और उसके बाद हम कॉपी में भी हम बता के व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक है। रीराइट द ईच ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, छोटा से बड़ा, जो छोटा है उसको पहले लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब, बड़ा से छोटा ये बना लेना है। फिर आप देखिए आपको नंबर कहा जाता है कि आप 3 डिजिट दे दिया जाता है, जैसे आपको दे देगा, जैसे यहाँ पर ही देखिए 2874 है। कह रहा है कि इससे आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, डिजिट दिया हुआ है और लार्जेस्ट नंबर बनाना, लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर में 8 आता है सबसे बड़ा, उसके बाद 7, 4, 2, इसी से ये डिजिट आपको दिया हुआ है, इसी से आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। और स्मॉलेस्ट कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, इसी से आपको बना लेना है स्मॉलेस्ट नंबर 2, 4, 7, 8। इसमें कोमा नहीं लगाना है, ठीक है, कितना बच्चा कोमा लगा देता है ऐसे नहीं लगाना है, ये लार्जेस्ट। अब कभी कभी 0 आ जाता है, एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। यदि एग्जांपल बी में देखिए, इससे बनाना है लार्जेस्ट 5403, इससे आपको लार्जेस्ट बनाना है। तो लार्जेस्ट में इसका क्या हो जाएगा, सबसे 5, 4, 3, 0। और स्मॉलेस्ट में बच्चे भूल क्या कर देते हैं कि 0 से स्टार्ट करना शुरू कर देते, कोई भी नंबर 4 डिजिट का 0 से शुरू से स्टार्ट नहीं होता है, तो इसमें 0 भी है सबसे स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट को पहले देखिए, नंबर देखिए 3 है, 3 देखिए, 0 को छोड़ के देखना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 3। उसके बाद 0 को आप रखिएगा तो उसका मीनिंग कुछ होता है, लेकिन शुरू में आप लिख दीजिएगा 0 तो 0 मीनिंगलेस हो जाता है, इसलिए 3045 ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। और ये लार्जेस्ट, 0 वाला में कंफ्यूजन होता है, बच्चे प्राय गलती कर देते हैं शुरू में 0 से, स्मॉलेस्ट में, लार्जेस्ट में तो ठीक करते हैं लेकिन स्मॉलेस्ट में 0 से स्टार्ट कर देते हैं, जो सरासर गलत है इसको आप। अब आ जाता है कि कोई भी नंबर है उससे कहा जाता है कि आप कितना नंबर विदाउट रिपीटेशन आप कितना नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। एक रिपीटेशन होता है, एक विदाउट रिपीटेशन, कितना, जैसे एक क्वेश्चन है लेटेस्ट 2 में 503 है, 50 क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर है आपको ये लेटेस्ट 2 में आपको आता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में 503 से आप आपको बनाना है नंबर कितना, आप विदाउट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड TI1 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इस स्थिति में आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका नंबर हम क्या बना सकते हैं, 503 530, आप लिख लीजिए 3 को ले लीजिए शुरू में 305 3 50, इतना नंबर आप बना सकते हैं, 4 डिजिट बना सकते हैं। आप कहेगा रिपीट करके बनाइए, एक नंबर 3-4 बार आएगा, रिपीटेशन इज अलाउड, इस स्थिति में आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। रिपीटेशन इज अलाउड, जैसे 5 5 5 3 3 3 5 0 3 5 3 0 3 0 5 3 5 0
इस टाइप से आप जितना आपका मर्जी है आप बना सकते हैं। 3 5 5 ठीक है, 5 5 3 5 3 3 3 5 3 इस टाइप से आप रिपीटेशन होना चाहिए, आप बना सकते हैं। रिपीटेशन इज अलाउड, इस टाइप से बनाना है आपको। तो ये आपको पहला एक्सरसाइज इसी पर आधारित आपका है, और इसमें ये दिमाग रखना है एक चीज, प्लेस वैल्यू का बात आता है। प्लेस वैल्यू भी आप जानते हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ये पढ़ते आए हैं आप, बचपन से ही पढ़ते आए प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, ये सब बताओ क्या होता है। इसमें कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू और प्लेस, तीन चीज होता है। कोई भी नंबर हम कहते हैं 386, इसमें कहेगा आपको प्लेस, प्लेस वैल्यू, और तीसरा आता है फेस वैल्यू। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को, ये बहुत जरूरी है आप दूर करना। जैसे डिजिट है आपका 6 का प्लेस वैल्यू, प्लेस 6 कौन सा प्लेस पर है, डिजिट आपको हमको ले रहे हैं ठीक है। ये नंबर है, नंबर में डिजिट सब कौन है, डिजिट 6 है, 8 है और 3 है। तो 6 का प्लेस हमारा क्या है, वंस प्लेस पर है। तो वंस कौन सा जगह पर, वंस 10 100 वंस है। 8 का प्लेस क्या है, 10 है, 10 लिख दीजिए। 3 का प्लेस कौन सा है, 100 है, तो 100 लिख दीजिए। प्लेस कहेगा तब आप, प्लेस वैल्यू कहेगा क्योंकि वंस प्लेस पर है तो इसका वैल्यू 6 ही रहेगा। 8 है तो इसको कहेंगे 80 प्लेस वैल्यू, 8 10 6 वंस भी लिख सकते हैं, 6 8 10 भी लिख सकते हैं। 3 का प्लेस वैल्यू 300 ये हुआ। अब फेस वैल्यू जो नंबर होता है फेस वैल्यू वही होता है, 6 का 6, 8 का 8, 3 का 3। इस टाइप से आप हर एक क्वेश्चन को आप इसी टाइप से डील कर सकते हैं, और इसमें कोई परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। अब इस टाइप से और इसी तरह से हम सारा क्वेश्चन भी बता देंगे, व्हाट्सएप पर 1-2 मिनट का क्लास देंगे, एक्सरसाइज वाइज आप कीजिए, सारा क्वेश्चन आप 3-4 एक्सरसाइज आपको इसी अनुसार बन जाएगा।